आज दो पैसा इनकम देखा तो तुम कब्जा कर रहे हो, मस्जिद पर कब्जा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सोने मंदिर पर सर में गुरुद्वारा सोने का कब्जा करके दिखाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो चले हिंदुओं के अंदर ही मंदिरों का कब्जा करने जा रहे हो तुम। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रणजीत सिंह नेगी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी। शुभम भवतु कल्याणम। सबसे पहली बात तो भैया माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे, जो 20 सेकंड का वीडियो आपने देखा उससे अगर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची हो या फिर कोई दुख लगा हो तो उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बात को इसी तरह करना ज़रूरी था क्योंकि बात करें तो चार धाम की जो बेल्ट है उसमें जो 53 हिंदुओं के मंदिर हैं उस पर सरकार अधिग्रहण करना चाह रही है, उस अधिग्रहण का क्या नुकसान है। उसके अलावा बात करेंगे जो बाबा जी से हम बात कर रहे थे कि भैया गंगोत्री में आखिर क्या चल रहा है, सुधार से ज़्यादा विकास से ज़्यादा यहाँ विनाश की स्थिति क्यों पैदा हो गई है, इस पर बहुत गहन चर्चा करेंगे स्वामी जी से। और ये स्वामी जी लगभग 15 वर्ष से गंगोत्री में बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं और इनके विचार जानते हैं। धन्यवाद। आज ये गंगोत्री मंदिर को गवर्नमेंट ले रही है, कौन सा बोर्ड बना दिया इन्होंने, अधिग्रहण हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे। जब यहाँ रास्ता नहीं था, एक फूटी कोड़े की इनकम नहीं थी, ये बेचारे ब्राह्मण अपने घर से अपनी जेब में दीपक के लिए घी, दीपक के लिए तेल और गंगा जी के भोग के लिए चावल अपनी जेब में घर से ले लाते थे, जिनकी बारी होती थी और गंगा जी का भोग लगाते थे। सर बास्ट के बाद रोड बने हैं, पैदल के रास्ते थे पहले, वो भी काली कमली बाबा ने बनवाए हैं। उस समय क्यों नहीं ग्रहण किया कि तुम्हारे पास इनकम नहीं है, तू कहाँ से भोग लगा रहे हो, कहाँ से दीपक जला रहे हो, कहाँ से घी ला रहे हो आरती के लिए। आज दो पैसा इनकम देखा तो तुम कब्जा कर रहे हो, मस्जिद पर कब्जा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो सोने मंदिर पर सर में गुरुद्वारा सोने का कब्जा करके दिखाओ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो चले हिंदुओं के अंदर ही मंदिरों का कब्जा करने जा रहे हो तुम। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा तो क्या होगा। मेरा मत है मंदिरों को गवर्नमेंट कब्जा नहीं करना चाहिए किसी मंदिर को, ये धर्मनिरपेक्ष है, सबके लिए समान कानून हो। या मस्जिदों को कब्जा करो, अजमेर में चलो तरगाही कब्जा करो, ख्वाजा की करो, अमृतसर गुरुद्वारा कब्जा करो, तुम्हारे मतलब है। एक दिल्ली में साइन बाग में तुम्हें घेर दिया चौराहा, उसको तो खाली नहीं करवा पा रहे हो। आज किसान दिल्ली घेर रखे उसको हटा नहीं पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास शक्ति जो है। हाँ यह मैं मानता हूँ कि यहाँ इनकम है, इन ब्राह्मणों को बोला जाएगा कि महाराज पंडित जी आप इस पैसे का 25% या 30% जन कल्याण में आप लगाइए, इस इलाके में एक अस्पताल बनवाइए गंगा जी के नाम से, जो गरीबों का निःशुल्क इलाज हो। कोई गरीब आदमी है उसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसको पढ़ाने के आप वो करिए। कोई गरीब है उसकी लड़की है शादी नहीं है, के लिए पैसा नहीं है, मंदिर की तरफ से उसकी सामूहिक शादी करवाइए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन ये मंदिर को गवर्नमेंट ले रही है, हम इससे सहमत नहीं है। ये गंगा में कहीं भी गोमुख से लेकर गंगा सागर तक अगर गंदगी डाली जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। गंगा ही नहीं कोई भी नदी हो, जल जीवन है। अगर जल ही नहीं होगा, आप दिल्ली में जमुना की दशा देखिए, आप हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय वहाँ बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जज वहाँ बैठे हुए हैं, सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने देख नहीं लगे जमुना की क्या दशा कर दी, किसने करी। फिर आपको अधिकार नहीं जीने का, फिर आप कैसे मरेंगे, इन परमाणु बमों की आवश्यकता है। आज क्या होने वाला है, चाइना साल भर से खोद लेके बैठा हुआ है, हथियार जोड़ रहा है, तुम यहां बंदर बाट में लड़ रहे हो। आज तक हमारे देश ने किया क्या, सत्ताई बातों को दबाया गया, हिंदुओं का शोषण किया गया हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान क्यों दिया, जनसंख्या आधार पर दिया गया, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया है, यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये शरणार्थी है यहां। अगर आप भाईचारा से रहते हो, प्रेम से तो रहिए, अगर आप यहाँ आतंक मचाएंगे या विद्रोह मचाएंगे हम नहीं सहन करेंगे। आपके हिस्से की जमीन वहाँ दे दी गई है, आप नहीं कहते हमारी गलती नहीं है, जनसंख्या के आधार पर बंटवारा हुआ है, पैसा भी दिया गया है। या जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, तो हम देश के लिए एक हैं, हम सन्यासी है। लेकिन देश पर कोई विदेशी कोई आक्रमण करेगा, मैं भी सेना के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, मुझे हथियार चलाना नहीं आता, क्या हुआ, मुझे चाय बनाना आता है, मुझे कॉफ़ी बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, और ये बुड्ढा हो गया तो क्या हुआ, 10 किलो तो मैं ले ही जाऊँगा गोला बारूद, ले जाके दूंगा ही जवान को, ले भाई इनको आगे मत बढ़ने दो, हर को मार सालो। और क्या चाहिए बता, तू पानी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, गोली चाहिए, बम चाहिए, क्या चाहिए तेरे को बता, हम तेरे को ला के देंगे।
तो इसलिए देश के लिए हम सब एक हैं और ये सब के अंदर धारणा होनी चाहिए। ये गंगोत्री घाटी है, ये हिमालय के मध्य में है, जहाँ आप बैठे हैं ये दिव्य शिला है, ये छोटी सी शिला नहीं है, ये कई किलोमीटर लंबी चौड़ी शिला है। महाराज भागीरथ इसी पर बैठ के तप किया था, कहाँ किया था ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आज की कहानी नहीं है वो, वो कई करोड़ों वर्षों पुरानी कहानियां हैं, राम के पुरुष थे। इसी शिला पर भगवान शिव खड़े होकर गंगा को अपनी चटा में धारण किया, इसका नाम है गंगा उत्तरी गंगोत्री। अच्छा, गंगा उत्तरी गंगोत्री। गंगा उत्तरी ब्रह्मा जी कमंडल से जब आई है भगवान शिव जी के जटा में, तो गंगा उत्तरी ये वो क्षेत्र है जो आज आपके पास साइन से ये पहले भी था। जो महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया गंगा जी के लिए, गंगा जी मैं गंगा जी तो दे दूंगा, इसके देख को कौन रोकेगा, तो महाराज कौन रोकेगा कि भगवान शिव के अलावा दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। तो राजा भागीरथ ब्रह्मा जी से अपना मोबाइल नंबर ले लिया और आके शिव की तपस्या करने लगे और शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने कालकूट नाम के विष को अपने गले में धारण कर रखा था, उसकी गर्मी से उनका सिर ब्रह्मांड जो परेशान हो रहा था और क्या चाहिए बोल, उसने कहा महाराज गंगा को लाना है और उसके बेग को रोकना कि जल्दी बुलाओ। अब मान लो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से जब आती है तो कोई गारंटी की यही पे गिरेगी, अफगानिस्तान में गिर जाती, यूरोप में गिर जाती, अमेरिका में गिर जाती, या उत्तरी ध्रुव में गिर जाती, या ऑस्ट्रेलिया में गिर जाती, या साउथ में गिर जाती, अफ्रीका में गिर, यही कैसे गिरी, शिव की जटा में कैसे गिरी, इसका मतलब पहले GPS पहले भी था, नापी गई डिग्री कितने एक अक्षांत कितने देशांतर पर खड़े हैं, यहाँ गंगा जी को छोड़ा जाए, तो गंगा जी को यहाँ छोड़ा गया। उस सामने नीचे गौरीकुंड नाम की जगह, उसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में है, गीता परेस वालों की दुर्गा सप्तशती ले लीजिए जिसमें सुम और निसुम का जहाँ प्रसंग आ रहा है। इसी शिला पर सारे देवता खड़े होकर माता की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, गौरी माता वहां स्नान करने के लिए आई है और देवता स्तुति कर रहे हैं और देवताओं से कहा हे देवता हो तुम यहाँ किसकी स्तुति करते हो, तो माता जी के शरीर से तेज निकला और एक कन्या के रूप में उपस्थित हो गया, वो तो स्थान मौजूद है अष्टभुजा वाली देवी नीलवरण की उत्पन्न हो गई और माता जी के शरीर से जब निकलने तेज निकला तो शरीर कोष से पैदा होने के कारण उनका नाम कोशी का नाम पड़ा, शिवा देवी भी उनका नाम है और माता गौरी का शरीर काला पड़ गया तेज निकलने से, वो तो हिमालय में रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई और वो कोशिका देवी विराजमान है। जब इस 78 के समय में हम गंगोत्री में आए तो जूते जो पार्थे थे वहाँ खोले जाते थे और वहाँ से नंगे पैर हम लोग आते थे दर्शन करने के लिए माता जी के मंदिर में, रास्ता वहीं से था, पुल था पहले लकड़ी का बना हुआ, टीरी महाराज का बनाया हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का देवदार का, पार से घूम के जाते थे, यहाँ से रास्ता नहीं था। आज सब जगह जूते घुमा रहे हैं, उसी गौरी कुंड पर सीवर लाइन का ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, पैसे खा दिया इन लोगों ने, 12 करोड़ की स्कीम थी बिल्कुल बिल्कुल, और गंगा में डाला जा रहा है यहीं पर से। क्या यही पढ़ा लिखा काम है कि सारा मल इकट्ठा करके गंगा में डाल दो फेंक फाट के, उसको शूट भी करके आए हम, क्या है ये, तभी से तबाही चली है पूरे देश में, जब से स्टार्ट हुआ है तब से तबाही। ये दुर्गा मंदिर है सामने, इसके बगल में देखो टेंट बना दिया मंदिर के बिल्कुल सटा हुआ, ये मल मंदिरों के पास इकट्ठा करने की व्यवस्था है। नंबर दो, कोरोना क्या है ये किसी के समझ में नहीं आ रही आप लोगों की, चाइना ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक टावर लगाया है, वो टावर क्या है, क्यों लगाया है, कारण क्या है। अगर मैं टावर लगा दूं और उसमें 20 GB का छोड़ दूं करंट जिसको रेडिएशन कहते हैं, तो क्या होगा 20 GB करंट से, रेडिएशन से मारे जाएंगे सब लोग, बिल्कुल। जब 5 GB 6 GB 4 GB से पक्षी मर जा रहे हैं तो हमारे शरीर में फर्क तो पड़ेगा, तो चाइना जानबूझ करके उसमें जो है 20 GB 30 GB 25 GB का जो है वो रेडिएशन मारता है और वो भारत दक्षिण एशिया की तरफ कर रखा है उसका मुंह, वो एक दो घंटा चलाने के बाद उसको बंद कर देता है और फिर 4 GB 3 GB चला देता है जब तक उस पर गौर नहीं किया जाएगा।
दूसरा ये कोरोना एक बनाया हुआ चीज है केमिकल से, जो ये महामारी प्राकृतिक तो नहीं है लेकिन जानबूझ के बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? जो हमारे रामायण में लिखा है, जाको प्रभु दारू दुख दे ही वाकी मती पहले हर ले। जब मनुष्य का अंत होता है तो 12 प्रकार के ज्योतिर्लिंग खड़े होते हैं, विज्ञान के ज्योतिर्लिंग। जो पहला है अणुबम, जो जापान पर डाल के देखा गया था महाताबाई मचाई, उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा अणु के टुकड़े नहीं होंगे, परमाणु बना दिया गया। फिर कहा कि परमाणु के टुकड़े नहीं होंगे, इसके 3 टुकड़े कर दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग निकाल दिए गए। फिर हाइड्रोजन बना दिया गया। हाइड्रोजन क्या है? सूर्य के पास है और उसमें आग लगने के बाद वो हीलियम गैस तैयार हो जाती है और कभी घुसती नहीं है, मिटती नहीं है, बनती रहती है। फिर नाइट्रोजन जैविक जो चल रहा है, जर्मस चल रहा है, जो कोरोना जैविक जर्मस दोनों के नाम से बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर धारणा होनी चाहिए। अब रही बात विकास की, ये सब कमीशनबाज हो रहा है सब काम। ये टाइलें 4 बार हर 3 साल टाइलें लग रही है, ठीक है। क्या सरकारी काम ऐसा होता है? सीमेंटेड 3 साल में टूट जाता है। ये सामने रेलिंग लगी हुई है, देखिए किसी का ढंग से कोई सावल सूते बनी, कोई पलस्तर नहीं ढंग से, क्या है? अभी 2 चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक अस्पताल और एक विद्यालय। गंगोत्री क्षेत्र क्योंकि 6 महीने तक आवासीय है। यहाँ एक अस्पताल है, आजकल बंद है। एक अस्पताल है, बंद है। विद्यालय यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि कोई आम जनता पे रहती नहीं है। या महात्मा है या तो आए के यात्री होते हैं। गाँव में विद्यालय है, विद्यालयों में मास्टर है कि नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो गांव की जनता बता सकती है। इस बार अस्पताल नहीं खुला है, 10 दिन में आते हैं वो लोग, इंजेक्शन वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ करके चले जाते हैं। कोई लगवाता है, कोई नहीं लगवाता है। बाकी मेन चीज क्या है, पहले तो प्रदूषण और पर्यावरण का ख्याल होना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं, इसी मल को आप किसी बगीचों में डाल सकते हैं, इसके द्वारा आप गैस बना करके यूज कर सकते हैं, इसको किसी जगह जाके फिल्टर करके इस पानी को दोबारा साफ कर सकते हैं, न कि नदियों में डाला जाए। अब रही बात, आज हमारा देश पिछड़ क्यों रहा है? हमारा देश का दुर्भाग्य है, जो एक आरक्षण आ गया सर्विस के अंदर। एक लड़का है 90 नंबर उसके आए हैं, एक लड़का है 35 नंबर आए हैं। 35 वाला सर्विस करेगा, 90 वाला नहीं। तो 35 वाले के पास दिमाग 35 नंबर का ही है। जो 90 नंबर वाला, 95 नंबर वाला जो दिमाग वाला लड़का, वो बेकार है तो विदेश में चला गया है। आज अमेरिका में 40% लोग हमारे हैं जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। तुम कोरोना की दवाई कहाँ से बना लोगे जो तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है? 35% तुम्हारे पास दिमाग है, 95% दिमाग को तो तुमने भगा दिया। ये खत्म होना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। हाँ, मैं मानता हूँ पढ़ाई में एक आरक्षण होना चाहिए गरीब के ऊपर, जाति पर नहीं। लेकिन पहले मैं आपके खून की जांच करूंगा, आप दारू कितनी पीते हो? आप 500 रुपये की दारू पी सकते हो रोज की, तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप गरीब हैं। आप 500 रुपये का सुल्पा पी सकते हो, चरस पी सकते हो, तो क्या आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हो? आप एक खून में अगर दारू पीते हो तो अल्कोहल की मात्रा मिलेगी, अगर आप भांग गांजा सुल्पा पीते हो तो निकोटीन की पावर मिलेगी। अगर ये दोनों पावर आपके खून में नहीं है तो फिर आप गरीब हैं। तो आपके बच्चों को हम सरकारी तरफ से पढ़ाएंगे, लेकिन आपके घर में नहीं रहेगा बच्चा, हॉस्टल होगा उसके लिए, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, और वही खाएगा पिएगा रहेगा पढ़ेगा लिखेगा। और भाई अच्छे नंबर ला और कंप्लीट कर अपनी सर्विस निकाल। इस प्रकार से सर्विस होनी चाहिए, पढ़ाई में आरक्षण होना चाहिए गरीब के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। जो भी इस देश में रह रहे हैं वर्तमान में, वो सब इसी के नागरिक हैं और सबको भारत माता की जय कहना होगा और सबको भारत का साथ देना होगा। एक विषय में और चाह रहा था, क्योंकि आप देखिए पूरी गंगा माँ चल रही है अपनी। हाँ। और बात करें, पीछे पावर प्रोजेक्ट भी बनाने की कोशिश की गई थी जो अभी फिलहाल तो रद्द है, उससे कोई बिजली नहीं बन पा रही। तो यहाँ गंगोत्री क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है, चाहे सौर से चाहे जल से? देखो, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे पांडु गुफा नाम की जगह बता रहे हैं, उधर गहरा है। वहाँ इन्होंने घोटाला करके ऐसी जगह से लाइन डाल दी ताकि वहाँ कुछ सक्सेस नहीं हुआ। वो पाइप सड़ गए पाइप सड़े हुए दिख रहे हैं। उनको उठा करके सिपट की नाली बनाई है, ठीक है। वो पावर अगर ऊपर बनता उस पहाड़ी के पीछे, तो करीबन 1000 किलोवाट की बिजली उसी एक ही लाइन में पैदा हो सकती थी। हो सकती थी। जैसे आज की बात करें, आज मेरे मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, मैं तो अपनी बाइक से चार्ज करके लाया हूँ,
तब आपको शूट कर रहा हूँ। हाँ। दो दिन से गंगोत्री मेरे अंदर। अब ये लाइट का देखिए, ये सूर्य लाइट लगी है, ठीक है जी, लेकिन ये लाइट का बल्ब खराब हो चुका है, ठीक है, ये खड़ी है यहाँ पर, जलती ही नहीं, जिस दिन से लगी उस दिन से जली ही नहीं है, एक दिन भी नहीं चली, और लगा दी गई है नहीं, एक दिन भी नहीं चली, ये छह महीना चली उसके बाद बल्ब खराब हो गया। फिर यहाँ के जो नगर पंचायत का लड़का से बोला, रहे रस्ते पुल पर अंधेरा है, लोग गिरते हैं, तो उसने दूसरा बल्ब ला के इस पर लगाया है, उस बल्ब को वहाँ लगा दिया, दूसरी जगह ले जाके, जहाँ खतरा नहीं था, खतरों की जगह तो कम से कम उजाला हो। तो भ्रष्टाचार, एक ही कारण से भ्रष्टाचार रुक सकता है, ये रोड बन रहा है, इस रोड के अंदर सीमेंट का रोड है, इस सीमेंट की वैल्यू 50 साल की है, अगर 50 साल से पहले टूटता है, हम नहीं जानते हैं जेई को रिकवरी होगी, ब्याज से तो सीधे जेल में ठोक दो। यानी आप दीर्घकालिक योजनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे हर साल हम भी देखते हैं, हम भी हर साल आते हैं गंगोत्री, तो हर साल काम ही चलता रहता है, तो हाँ। काम इतने वर्षों से चल रहा है, उसमें सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है, अरबों रुपए खर्च हो गया, एक तरह से भ्रष्टाचार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हर काम, हर डिपार्टमेंट में, भाई हमारी बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रही है, सीमेंट की सरकारी बिल्डिंग क्यों टूट रही है, क्योंकि 30% जेई खा रहा कमीशन, बचा 70 में से मुंशी ने 5% मार दिया, कुछ चोरी कर दिया लोगों ने, किसने रेता उठाया, किसने पत्थर उठाया, किसने सीमेंट चुरा दिया, ये सूर्य लाइट की बैटरी उतरते ही 20 बैटरी गायब हो गई, कहाँ गई, हवा खा गई, ये पेड़ खा गए, खंभे गड़े, खंभों में से भी लापता हो गई, उखाड़ उखाड़ के ले गए लोग, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, नगर पालिका क्या कर रही है, इसकी बैटरी में अंदर रखवाई, इसीलिए कहीं कोई चोर ना करे, कम से कम रास्ते पे उजाला हो, जब यहाँ अंधेरे में लोग गिरते हैं तो मुझे टॉर्च दिखानी पड़ती है, मुझे दुख होता है कि मेरे सामने कोई दुर्घटना घट रही है, उस दिन मेरे से खाना नहीं खाया था, खून निकल गया किसी आदमी महिला को यात्री को, उसको क्या मालूम यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वो तो पिछड़ा पहली बार आया है, अंधेरा हो रखा है, तो दुख तो मेरे को होता है, मैं महात्मा हूँ, मैं पूरे विश्व को जानता हूँ, हमारे वेदों ने कहा है अयो आत्मा ब्रह्म, हिंदू ब्रह्म या मुसलमान ब्रह्म यह नहीं कहा, मनुष्य ब्रह्म या पशु ब्रह्म यह नहीं कहा, अयो आत्मा ब्रह्म कहा है, तो आत्मा तो सभी प्राणियों मात्र में है, हम पूरे विश्व का कल्याण मांगता है, अरे भारत का तो हमारा घर है, अपना घर को तो सभी अच्छा बनाता है, हम तो अपने पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को भी चाहता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो, ताकि ये भी प्रेम से जिए और दूसरे को भी जीने दे। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, जो व्यापारी है वो तो अपना कमा के खा सकता है, लेकिन यहाँ पे साधु महात्माओं के जो भोजन की व्यवस्था है वो अभी पूर्णतः दान से चल रही है या फिर सरकार कोई मदद करती है इसमें? सरकार तो कोई मदद करती नहीं है, अभी हमारा राशन कार्ड है, ठीक है, पिछले बार फोटो आधार कार्ड की फोटो कॉपी दी, फोटो दी, लेकिन वो अभी तक नया नहीं बनाया करे, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, कुछ राशन पुराने कार्ड वालों को राशन दिया जा रहा है, कुछ को नहीं दिया जा रहा, अगर आपका नाम नहीं दिया जा, आपका नाम ही नहीं आया लिस्ट में, क्यों नहीं आया फिर, जब हमने फोटो दे रखी है, आधार कार्ड दे रखा है, इस कोरोना में हम कहाँ जाएं उसको ठीक कराने के लिए, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, हमने आपको बोला अंदर हम किसी को नहीं आने दे रहे हैं, वो मंदिर में लकड़ लगा रखा है, गेट में प्रतिबंध है, यहाँ भी गेट में हम लकड़ लगा देते हैं, ये महामारी आ रही है भाई इसको रोको, तो उनका कर्तव्य है कि घर घर में पूछे क्यों नहीं हमारा नाम लिखा गया राशन कार्ड में, या लिखा गया तो राशन कहाँ जा रहा है। अब एक बात है महात्माओं का, महात्मा कहते किसको है, 1% बड़ी मुश्किल से महात्मा मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बहनों तो क्या है, ये तो सब होटलें हैं, महात्मा कौन थे, महाराज वशिष्ठ जी का इतिहास देखिए, राम जी के गुरु थे, घास के छप्पर में रहते थे और अपना कंद मूल फल अपने बगीचे में बो रखे थे, दूध के लिए उनके पास नंदिनी नाम की गाय थी, और वो राम जी से कहते थे हे राम हमारे एक सोने का महल बना दो, तो मिनटों में खड़ा हो जाता, बिल्कुल, हे राम एक कंदमूल खा खा के हम थक गए हैं, तो सोने के थालों में 56 प्रकार के खट्टे मीठे व्यंजन शुद्ध घी के बन के आ जाते, क्यों नहीं उन्होंने याचना करी। महात्मा का अर्थ क्या है, हम जब पैदा हुए थे या आप जब पैदा हुए तो क्या आपको चिंता थी क्या खाएंगे आप, क्यों नहीं थी चिंता आपको, क्यों नहीं थी, क्योंकि तब सोच समझ नहीं थी, सब कुछ थी, पूरा ज्ञान था, उस परमात्मा पर विश्वास था, इसलिए उस परमात्मा ने आपके लिए पूरी दूध की व्यवस्था करी और पहले से दूध की टंकियां बनाई गई, तो आपके लिए
जब आप आए तभी दूध सप्लाई हुआ वहाँ, ये तो कनेक्शन बंद कर रखा था दूध का, आपके आते ही दूध चालू। और दूध कैसा है बताया आपको, सौ विटामिन जिसमें लैस है, खट्टा भी है तो मीठा भी है, छह विटामिन में खट्टा भी आता है विटामिन सी के अंदर, तो दूध सी में फट क्यों नहीं रहा है और पूर्ण आहार है और जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है, तो आप बाहर की कोई वस्तु नहीं खा पा रहे हैं। तो जो परमात्मा ने पैदा होते समय आपको दूध का पूरा व्यवस्था करके आपका पेट पालन किया, फिर आपके दांत आ गए, अनेक दांत खाने को है, तो भी आपको चिंता नहीं थी, फिर आप किस बात की चिंता कर रहे हैं, केवल आपको अपना कर्म करना है, कर्म योगी बनना है आपको। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन का मतलब क्या होता है, जो कर्मों से रहित हो गया है, जो कर्म ही नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। आप कर्म योगी हैं, कर्मिष्ठ हैं, तो आपको मिलेगा। अब महात्मा है, उसका कर्म क्या है, उसका काम है भजन करना, अगर उसको जैसे खाना नहीं मिलेगा ब्रह्मांड हिल जाएगा, वो स्वयं आएगा भगत बन करके कि महाराज ये भोजन है पाइए, और जैसा महात्मा भोजन पाता है वैसा मिलता है। हम किसी के भंडारों में नहीं जाते हैं, सामान बांटते हैं, पर्ची देते हैं, मेरे को तो हम नहीं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये बताओ आप क्या 2-4 लाख रुपये दान कर सकते हो भंडारे के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप 2-4 लाख रुपए दान कर सकते हो भंडारे के लिए? नहीं, इतनी तो क्षमता नहीं महाराज। क्यों, आप कमाते नहीं हो क्या? बिल्कुल कमाते हैं। फिर आप नहीं दे सकते उतना, क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 नंबर का माल नहीं है, खून पसीने का है, तो आप उतना नहीं दे सकते हो, 10-20-50 रुपये दे सकते हो। तो अभी जो लाखों रुपये आ रहा है माल बटने के लिए, कहाँ से आया, कैसा माल है वो? इसलिए कहा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा बन। अगर हम दूषित अन्न खा रहे हैं तो हमारा मन दूषित होगा, हमारी बुद्धि दूषित होगी, फिर हम भजन नहीं कर सकते। फिर हम करेंगे इसकी जड़ कैसे काटे थे, गर्दन कैसे काटे थे, कैसे लूटे, वो हमारे विचार बनेंगे। और ये विचार जितने महात्मा के बन गए, महाप्रलय उत्पन्न हो जाएगी। जितने ब्राह्मण लोभी हो गया, महाप्रलय उत्पन्न हो जाएगी। जितने राजा चोर हो गया, महाप्रलय उत्पन्न हो जाएगी, जो आज हो रहा है। अब ये बताइए, जो फौजी कर्मचारी जो लड़ता है फौज में, इसकी पेंशन नहीं मिल रही, जो भी भर्ती हो रहे हैं, तो नेताओं क्यों मिल रही है भाई? आप नौकर हैं या सेवक हैं? मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, आपके माध्यम से, अगर आप सेवक हैं तो फिर आपको तनख्वाह किस बात की, आपको पेंशन किस बात की? जब मेरे पास में फोन है 555 रुपए में जो है 3 महीने के लिए फ्री है, बाकी 1.5 GB का तो डाटा मुझे मिल रहा है नेट चलाने के लिए, और जितनी मर्जी कॉल करूँ मैं सब फ्री है, तो इनको 15,000 रुपये महीने का किस बात का फोन का चार्ज दे रहे हो आप? फोकट का, वो देश का भट्टा नहीं बैठ रहा? आपको बंगला दे रहे हैं, खाली कंटेनर 1,00,000 रुपए का माल खा रहे हो आप? या हमारा आदमी जो भूखा मर रहा है उसको नमक रोटी नहीं मिल रही? तो ये सब क्या है? अगर आप नौकर हैं तो आपकी फिर परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, आपका इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा, आपकी योग्यता क्यों नहीं है, आपका प्रमाण पत्र लेंगे हम योग्यता का, अगर आपको सर्विस है तो। अगर आप सेवक हैं तो फिर आपको तनख्वाह किस बात की? ये देश का नाश कर दिया इन लोगों ने। क्या आज तक हमारे देश में क्यों नहीं ऑक्सीजन के प्लांट बनाए गए, जो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए हमको भी दूसरी लहर में कोरोना में बाहर से ऑक्सीजन मंगानी पड़ी? क्या किया इन देश वालों ने आज तक? हमारे देश में हथियार तक नहीं, विदेशों से हथियार मांगने का, अगर विदेश नहीं देंगे हथियार तो क्या कर लोगे आप, कहाँ से लड़ोगे? चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ था और आज इतना बड़ा क्यों था, अमेरिका को भी टक्कर देने को तैयार है? अरे सारा विज्ञान तो मेरे पास में है, आप दिल्ली में जाइए कुतुब मीनार के पास, एक लोहे का खंभा खड़ा है, उस पर जंग नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा भाई? जंग उस काल में कौन सा विज्ञान था जो जंग रहित लोहा तैयार किया? जब अकबर का हमें पाठ पढ़ाया जाता तो महाराणा प्रताप का क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, 4-4 बच्चों को दीवार में चिन दिया संत की दीवार में, वो इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर? जो औरंगजेब का पढ़ाया जा रहा है, हुमायूं का पढ़ाया जा रहा है, बाबर का पढ़ाया जा रहा है, सांझा का पढ़ाया जा रहा है, जो मुमताज कहां मरी थी मध्य प्रदेश में, और कितने दिन के बाद आके लाल किले में उसमें ताजमहल में रखा गया, ताजमहल तो मंदिर था, इतिहास है उसका।
उसमें उस मुद्दे को दूसरी मंजिल में कौन कहता है कबर लगती है, कबर जमीन में लगती है, वो दूसरी मंजिल में कैसे रखी है कबर। अब एक कोई नीचे तमिलनाडु कहाँ पर है और कर्नाटक का कहाँ पर एक मस्जिद तोड़ी गई रास्ता के लिए, उस मस्जिद के नीचे जैनियों के मंदिर के अवशेष मिले हैं, फेसबुक में आ रहा है, तो वो पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पृथ्वीराज चौहान का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो ये हमारी चीजों को क्यों लुप्त किया गया, किसने किया? जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई ये तुमने पढ़ाया ठीक है, तो सुभाष बोस को किसने मरवाया वो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? भगत सिंह को किसने फांसी पर लटकवाया उसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? चंद्रशेखर के किसने मुखबिरी करके गोली से मरवाया वो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तासगंज में लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया गया, डेथ बॉडी आई, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है? और दलाई लामा चाइना का है, तिब्बत का है, तो उसको यहाँ शरणागति कितने दिन 70 साल से दिया है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? कारण क्या है? बिना अनुमति के 370 धारा थोप दी गई हमारे ऊपर और हमें बेवकूफ बनाया गया 60-70 साल तक, आखिर क्यों? देश बंटवारा हुआ तो इन मुसलमानों को क्यों रखा गया? आज हमारे हिंदू पाकिस्तान भाई में है, वहाँ हिंदुस्तान के भाई लोग पाकिस्तान में, आज उन हिंदुओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है कि कोई बोल रहा है? कश्मीर से 11 लाख परिवार भागे हैं, उन औरतों की छाती काटी गई है, मैं उनके घरों में खाना खा के आया हूँ आज से 45 साल पहले, कश्मीर में 6 महीना भ्रमण किया पैदल मैंने, अमरनाथ की यात्रा किया, आज वो सब भाग भाग के शरणार्थी बने, भारत में भारत के लोग शरणार्थी हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों याचिका ले रही है उनकी? क्या वो भारत के नागरिक हैं जो उनकी तुम याचिका स्वीकार करके उन पर सुनवाई कर रहे हो? क्या मतलब है? ये सब दुगल्ले लोग हैं जो हिंदुओं को नष्ट करके मुसलमानी साम्राज्य लाना चाहते हैं, इनके अंदर खून मुसलमानों का है, या हमें धोखा करा जा रहा है? इससे हटके अगर बात करें, मीन गंगोत्री की बात करें, तो व्यापारी वर्ग आपको क्या लगता है और जो पुजारी हैं उनको और क्या बेहतर सरकार सुविधा मुहैया करा सकती है, खासकर इस समय पे जब यात्रा स्थगित है? देखो ऐसा है, यात्रा स्थगित में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, सब बंद पड़ा है, कितनी आर्मी है भारत में, उनको कितनी तनख्वाह लगेगी? पुलिस को, डॉक्टरों को, रोडवेज खड़ी है उनके कर्मचारियों को तनख्वाह, रेलवे खड़ी उनके कर्मचारियों को तनख्वाह, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह, कहाँ से आएगा पैसा आप मेरे को बताइए? ऐसे काल में तो कोई व्यवस्था गवर्नमेंट देने का काम ही नहीं है, मेरा मत है, केवल देश को बचाना है। हम सक्षम हैं, अगर मान लो गवर्नमेंट राहत नहीं देगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? क्या गवर्नमेंट की राहत में खड़े हम? इस समय देश को बचाने के लिए सारी विकास काम रोक करके देश की सुरक्षा किया जाए और देश की अर्थव्यवस्था को देखा जाए। अब रही व्यापारी वर्ग, इसमें बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है, तुम गरीब आदमी कितने भी बड़े हो, गरीब हो, गांव वाले तुम्हें परेशान करो तुम सहन कर लोगे, लेकिन तुम्हारे मेहमान के साथ, तुम्हारे अतिथि के साथ अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया तो आप सहन नहीं करेंगे। जो भी गंगोत्री में आ रहा है ये पंडितों के लिए या महात्माओं के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए नहीं आ रहा है, वो गंगा जी के लिए आ रहा है, गंगा जी का मेहमान है। अगर आप उसको लूटेंगे या उसको ठगेंगे तो गंगा जी सहन नहीं कर सकती है। यही कारण है जो चार धाम बंद हो रखे हैं, एक एक कमरा 1000-1500 रुपये का जाता है एक रात का सोने का, लोकल को खाना ताज़ा मिलता था, यात्री को खाना बासा देते थे होटल वाले, और कहते खाने का टेस्ट, हाँ जी ठंडा है साहब इसलिए हो गया चावल दाल, उस पता नहीं है कि ठंडे की हो रहा है कि बासा है, ये गलत है। हमारे पुलिस चौकी में खाना बनता है, थाल पर बनाता है, बनाने वाला कर्मचारी सरकारी है, बर्तन सरकारी है, राशन यहीं से लिया जाता है, उनके पास 25-30 रुपये का फुल डाइट खाना पड़ता है, तो फुल डाइट खाना जो 25-30 रुपये में पड़ता है आप 50 रुपये बेच लो तो आपका जगह का टैक्स भी निकल गया, बर्तन का टैक्स भी निकल गया, गैस का भी निकल गया, लेबरों का निकल गया, आपको प्रत्येक थाली पर 2 रुपये बच जाए, दिन में 1000 थाली बिकी तो आपका पैसा निकल गया। तो क्योंकि नहीं हम एकदम से लखपति हो जाए, ये ध्येय है सबका, और आज हमारे भारत के लोगों का एक ध्येय बन गया है फ्री का और हराम का खाने की आदत पड़ गई, इसलिए देश भट्टा जा रहा है। और अभी तो कुछ नहीं महाराज, अगर कई साल 2 साल लॉकडाउन करना पड़ा तब क्या होगा?
यही गंगोत्री घाट मेरे सामने 10 बार बन चुका है, 20 बार बन चुका है, अरबों रुपया लग चुका है। एक बार शीशा पिला पिला के बनाया था घाट को कि अब गारंटी टूटेगा नहीं जी, और एक झटका सहन नहीं किया, अभी फिर बन रहा है। अब ये कब तक चलता है कोई पता नहीं, पता लगेगा जब ये 10-20 साल टिकेगा। मेहनत अच्छे कर रहे हैं, लोहा डाल रहे हैं, सीमेंट डाल रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में बात कीजिए, आप कब गंगोत्री धाम में आए? मैं 78 से गंगा घाटी में यहाँ घुसा हूँ, और मैं केदारनाथ में भी रहा हूँ, मेरी गुफा है बद्रीनाथ में, मेरी गुफा है। मुझे वहाँ लकड़ी की समस्या लगी, ठंडे की वजह मैं नंगा रहता हूँ। फिर गंगा घाटी में तो जंगल हरा भरा है, और यहाँ तो पूरी ऑक्सीजन तैयार है पेड़ों की वजह से। तो मैं 78 से यहाँ गंगा घाटी में रह के कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, कभी साल भर 12 महीना ऐसे रहने लगा। और अब मैं यहाँ 5-6 महीना रहता हूँ, 6 महीना, 5 महीना, 6 महीना पट बंद होता है, मैं चला जाता हूँ, कि मैं जूते चप्पल नहीं पहनता हूँ। और बर्फ़ के टाइम पे यहाँ योग साधना भी नहीं होती है, मैं ठंडे जल से स्नान करता हूँ। तो बर्फ़ के टाइम पे ठंडे जल से नहाना मुश्किल पड़ता, पहले नहीं पड़ता था, अब पड़ता है। तो इसलिए मैं इस गंगा घाटी में रहता हूँ। पहले हमारे यहाँ एक बुड्ढे महाराज रहते थे, उनका नाम था सिद्धगिरी महाराज, क्यों ये जगह उनका है। वो शरीर ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद फिर यहाँ लोगों को ताला तोड़ने लगे, तो मेरे को आना पड़ा। मेरी गुफा है आगे, मेरे 2.5 किलोमीटर गंगा किनारे जंगल में गुफा में वहाँ रहा करता था। तो यहाँ ताला तोड़ के कब्जा करने लगे, 2.5 किलोमीटर ऊपर गौमुख की तरफ। हाँ, गौमुख की तरफ, ये राम मंदिर बैरियल जो बनाया गंगा का, उससे 0.5 किलोमीटर आगे, ठीक है, गंगा किनारे जमीन में गुफा है, वहाँ रहता था मैं। तो यहाँ ताला तोड़ के लोग बिल्डिंग बनाने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए तैयार हुए, तो मुझे किसी ने सूचना दी, तो मैं आया फिर यहाँ, और कुछ ब्राह्मणों ने मेरा साथ दिया, और फिर उनको भगाया, और भगा के फिर मैंने यहाँ पर रहने लगा। फिर यहाँ भी कई बार ताला तोड़े, तो कुछ नेताओं ने और कुछ पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने मेरा साथ दिया, और उन लोगों को, अत्याचारियों को भगाया, आतंकवादियों को, जो भूमाफिया लोग थे। और तब से मैं हूँ, तो मैंने अपनी छोटी सी कुटिया, पुरानी कुटिया, इसी को रखा है। और आप देख रहे हैं, मैंने इसलिए मिट्टी लगा के रखा है, ये मिट्टी ठंडी नहीं होती है, उसका नाम है सिमट, फैल मत, सिमट वो ठंडा करके मार देगी तुम, ठीक है जी, बीमारी कर देगी। इसलिए गोबर मिट्टी हमेशा गर्म है, ये दीवार भी गोबर मिट्टी की है, बार बार मिट्टी झड़ती, इसलिए मैंने इसको प्लास्टर कर दिया। दीवार ये गोबर मिट्टी की है, 2 फिट की चौड़ी दीवार है, तो मैं सिमट रहता हूँ। लेकिन कमरे और बाकी बगीचा, पेड़ पहाड़ जो खड़े हैं इधर चारों तरफ साइड में, उनको पाल रखा है। ये जगह ऐसी, जैसे ऊपर आपका गौमुख भी है, गौमुख से ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ गौमुख क्या है? अब ये प्रसंग है, गौमुख क्या है भाई? कभी गौमुख हरिद्वार में था? गौमुख एक बर्फ का ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा दृष्टि गोचर होना, उसका नाम गौमुख है। तो गाय का मुख नहीं है, अरे 2 किलोमीटर पीछे मैंने देख दिया गौमुख, कह सकते हैं पहले 2 किलोमीटर इधर था, बर्फ का ग्लेशियर टूट रहा है, पीछे हट रहा है, पीछे हटता जा रहा है, हटता जा रहा है। क्यों हट रहा है, क्या कारण है? हम लोगों ने पर्यावरण बिगाड़ दिया, यह आग जल रही है, ये धुआं कहाँ जा रहा है? ऊपर को जा रहा है, ध्यान नहीं है, ऊपर को जा रहा है। तो दिल्ली का जो पर्यावरण है, गाड़ी घोड़ों का धुआं, कल कारखानों का धुआं, वो दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से उठ के ऊपर आ रहा है, और वो हिमालय की तरफ बढ़ रहा है, और एक ग्लेशियर गल रहे हैं। तो लोग करें ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, दुनिया भर की जो भट्टियाँ बनी हैं, इनसे ये माहौल बना है। पेड़ों को काट रहे हैं लोग लगाने की बजाय, सब आश्रमों जैसे मेरे जंगल में खड़ा है, ऐसे पेड़ थे सबके, काट काट के, कोई रातों काटा, कोई दिन में काटा, कोई कैसे काटा, और बिल्डिंगें खड़ी कर दी, सीमेंट टाइट कंक्रीट के जंगल बना दी। तो ये कारण हो रहा है। एक बात करें, जैसे चार धाम हो गए या हिमालय पर्वत हो गए, हाँ। तो इसमें साधना, योग साधना, इसके लिए इन जगहों में ऐसी क्या खास बात है कि सारे ऋषि मुनि शुरुआत से और आज के साधु महात्मा सारे यहाँ पे आते हैं साधना करने के? हाँ, अभी देखिए, अब हरिद्वार में जाके देखिए, हाँ। कितनी गर्मी है, कितने मक्खी मच्छर हैं, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो मक्खी मच्छर आपको डिस्टर्ब करेंगे, और गर्मी आपको डिस्टर्ब करेगी, तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। या न मक्खी है न मच्छर है, या क्या है, एक तो जल भी आपको नेचुरल मिल रहा है, और यहाँ का वायु भी नेचुरल है, और ये एसी लगी हुई है, नेचुरल प्राकृतिक, जो है एसी है, प्राकृतिक फ्रिज है, प्राकृतिक कूलर पंखे लगे हुए हैं। तो यही कारण था। दूसरा, यहाँ आ तो आबादी फंस गई, पहले यहाँ कोई मानव इतने नहीं थे, ठीक है, और ध्यान में कोई विघन नहीं करता था, अपनी चल्ला गुल्ला हो रहा है, तो कोई परेशान है, कोई लड़ रहे हैं, कोई भिड़ रहे हैं,
अब वो माहौल यहाँ भी हो गया है, अब यहाँ वो बात नहीं है जो कुछ पूर्व में थी। तो ये कारण हिमालय को यही था कि साधना का स्थल इसलिए माना गया है, अब यही हमारी गंगा महारानी है, इसके जल की आप जांच कर रहे हैं समंदर से ऊपर की तरफ। 1300-1500 प्रकार के इसमें बैक्टीरिया पाए जाएंगे आपको, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभकारी हैं। यमुना जी में 200-300-400 तक मिलेंगे, हर नदियों में 300-400 मिलेंगे, गंगा जी के अंदर 1500 तक के आसपास मिलेंगे। ये गंगा के किनारे आपने कभी ध्यान दिया होगा तो अभी कोरोना काल में इतनी मौतें नहीं होंगी गंगा किनारे, जो गंगा जल के हवा लग रही है, जो उसको नहा रहा है। उत्तराखंड का ग्राफ इसलिए काफ़ी कम रहा है, उत्तराखंड का ही नहीं, हरिद्वार का लो, बनारस का लो, इलाहाबाद का लो, बोले उतना ग्राफ कम रहा होगा गंगा किनारे किनारे। अब क्या है, सारी सीवर डालते गए आप गंगा में, तो गंगा रही कहाँ। अब दिल्ली में जमुना का दशा कर दिया, तो वही जमुना गई मथुरा, वहाँ की सीवर डाल दी, तो वही जमुना गई आगरा, वो सीवर डाल दी, उधर से चंबल आ गई राजस्थान से, और चंबल में आके मिल गई छिपरा उज्जैन और इंदौर का गंदगी लेकर के, और वो आके चंबल में मिलती, चंबल जमुन में मिलती है, इंदौर से, भोपाल से, ग्वालियर से, ये सारी जो नदियाँ छोटी छोटी वो सब गंदगी को ले करके और जो है आके जमुना में मिल गई, और जमुना इलाहाबाद में आके गंगा में मिल गई। वो तो सिर्फ नेपाल से आने वाली नदियाँ सारी गंदगी को लेकर के और गंगा के मंदरा के मिल गई। तो अब गंगा के अंदर तो जल है कहाँ, क्या गर्मियों के टाइम पे आप जमुना को पी सकते हो दिल्ली में, जब जमुना में जल ही नहीं है तो उसको हम जमुना कैसे कहेंगे इलाहाबाद में। तो सिवर लाइन हो गया पूरा, और वही सिवर आकर उसको तो उसकी उनके बाहर खत्म हो गई, वैसे ही कर दिया आपने। केवल अगर गंगा जल है इसमें कोरोना फेल है, मेरा दावा है। बात करें आपकी ही बात करें, संप्रदाय की बात करें तो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, जैसे आप नागा संप्रदाय से। हाँ, मैं नागा संप्रदाय श्री पंतश्राम जूना खाड़े से हूँ। संप्रदाय चार है हमारे यहाँ, ठीक है, एक संन्यास संप्रदाय है, एक वैष्णव संप्रदाय है, एक उदासी संप्रदाय है, एक नाथ संप्रदाय है। तो हमारे संन्यास संप्रदाय में 6 संन्यासियों के अखाड़े हैं और एक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, 7 अखाड़े हमारे साथ में है। वैष्णव संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं, उदासी संप्रदाय में 2 अखाड़े हैं और नाथों में 1 दलीचा है। ये 13 अखाड़े हुए, 14 हुए, अब किन्नर भी आ गए इसमें, अब कोई 15 हो गया, 14-15, अब कोई 16 भी आ सकता है। एक आप मीडिया वाले पर बड़ा अखाड़ा बना लो, जब मीडिया अखाड़ा आ रहे तो हम भी वो करेंगे। एक फौजी लोग का हमारा भी अखाड़ा है जी, हम भी हैं। ये अखाड़े का मतलब